Hello students, welcome in today's online video. And in this video we are going to cover a new topic, that is pattern. Okay, तो आज का जो हमारा टॉपिक है पैटर्न, इसको हम लोग पहले समझते हैं कि पैटर्न होता क्या है. तो पैटर्न देखिए, बेसिकली पैटर्न का मतलब क्या है. पैटर्न एक ऐसा डिजाइन होता है या सीक्वेंस ऑफ समथिंग होता है जिससे हम ये बता सकें कि आगे आने वाले नंबर या आगे आने वाला डिजाइन या आगे आने वाला सीक्वेंस कैसा होगा, उसको हम लोग पैटर्न के बेस पे बता सकते हैं. ठीक है, पैटर्न यही होता है. पैटर्न बस ये है कि हम पहले क्या बना हुआ है डिजाइन या क्या लिखा हुआ है नंबर या क्या लेटर्स लिखे हुए हैं, और उसके बेस पे हम आगे आने वाले नंबर्स, लेटर्स या डिजाइन को अगर हम बता पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये पहला जो है वो एक पैटर्न है. क्योंकि हम आगे आने वाले नंबर्स या डिजाइन या लेटर्स को बता पा रहे हैं. तो अगर हम एक वर्ड में मतलब इसको डिफाइन करें पैटर्न को, तो पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, लेटर्स, शेप्स और डिजाइन, है ना. एक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, अरेंजमेंट ऑफ डिजाइन है या अरेंजमेंट ऑफ शेप्स है, जिसको पैटर्न करते हैं. और ये इस तरह से अरेंज होता है कि हम आने वाले अगले डिजाइन को या शेप को या लेटर को या नंबर को बता सकते हैं कि आगे क्या आएगा. ठीक है, तो चलिए पहले लिखते हैं क्या हो सकता है पैटर्न, व्हाट इज ए पैटर्न. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ए पैटर्न, इसका आंसर आप देंगे ए पैटर्न इज an arrangement of numbers, letters, shapes, designs, etc. ठीक है ना, अरेंजमेंट है. अरेंजमेंट मतलब कि हम लोग एक कुछ डिजाइन को अरेंज कर रहे हैं, एक के बाद एक बनाते जा रहे हैं, है ना, तो उसी को अरेंजमेंट कहते हैं. या एक के बाद एक लिखते जा रहे हैं तो वही सब अरेंजमेंट कहलाता है. ठीक है, अब इसको ऐसे अरेंजमेंट से हमें ये भी पता चल जाता है कि आगे आने वाले लेटर्स क्या होगा. जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ए, फिर मैं लिख रहा हूँ सी, फिर मैं लिख रहा हूँ ई, इसके बाद लिख रहा हूँ जी. अब मैं कहूँ कि इसके बाद क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि सर क्या कर रहे हैं कि एक एक लेटर को बीच में छोड़ के लिख रहे हैं. मतलब ए के बाद बी आना चाहिए तो बी को नहीं लिख के सी लिख रहे हैं, फिर सी के बाद डी आना चाहिए तो डी ने लिख कर उसके बाद वाला लिख रहे हैं. ठीक है ना, तो ई के बाद एफ आता है तो एफ को नहीं लिखकर उसके बाद वाला लिख रहे हैं जी. तो क्या करेंगे, जी के बाद एच आता है तो एच को नहीं लिखेंगे, एच के बाद वाला लिखेंगे क्या आता है, आई. मतलब ये आई यहाँ पे लिखाएगा, ये हमें कैसे पता चला, तो ये पहले वाले जो लेटर्स का अरेंजमेंट है उसको देख कर हमको पता चला कि अब आगे आई आएगा. फिर आई के बाद क्या आना चाहिए, तो अब फिर ऑब्जर्व करिए सेम उसी पैटर्न को अगर फॉलो करिएगा तो आई के बाद क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, क्योंकि आई के बाद जे आता है लेकिन हम लोग उसको छोड़कर उसके बाद वाला लिखना है. फिर के बाद एल आता है तो एल को छोड़कर जो आएगा वो लिखना है. ठीक है ना, तो ये क्या था, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स. अब अरेंजमेंट ऑफ शेप्स भी हो सकता है. जैसे सपोज कीजिए एक सर्कल बना रहे हैं, फिर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, फिर एक सर्कल बना रहे हैं, फिर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, फिर एक सर्कल बना रहे हैं. अब बोला जाए कि अब क्या आएगा, तो आप देखिए कि इसमें दो ही शेप जो है रिपीट हो रहा है. मतलब पहले सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, तो फिर क्या आना चाहिए, ट्रायंगल आना चाहिए, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल. मतलब ये एक पैटर्न है, इसमें एक शेप, दो शेप जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं. कौन कौन, सर्कल और ट्रायंगल.
तो बस यही होता है पैटर्न में, यही होता है कि हम लोग कोई एक पर्टिकुलर शेप या लेटर एक रूल्स के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता है, और हम उसी रूल को फॉलो करते हुए उसके आगे के जो लेटर्स हैं या शेप्स हैं उसको हम लोग बता सकते हैं कि क्या आएगा आगे, ठीक है ना। वो उसी को हम लोग पैटर्न कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, वही जो अभी आपको जो जो आपने अभी पढ़ा। अब यहाँ पे देखिए ये डिजाइन बना हुआ, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में लेटर लिखा और शेप लिखा, मगर यहाँ पे कुछ डिजाइन बने हुए हैं। जैसे देखिए फूल का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का है और ये पिंक कलर का है, और ये दो इसमें कोई कलर नहीं है, लेकिन दोनों ही सेम फूल हैं। यहाँ पे आप देखिए ये कार है ब्लू कलर का, एक येलो कलर का, और ये दोनों ब्लैंक है, मतलब इसमें अभी कलर नहीं किया हुआ है। तो ये यहाँ पे कोई हम लोग अपने तरफ से भी कोई कलर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया, उस बेस पे यहाँ पे हम लोग को फिर ये सेम कलर, इसको यही वाला कलर इसमें फिल कर देना है, और फिर ये वाला कलर इसमें फिल कर देना है, ठीक है। और क्योंकि और कुछ है नहीं यहाँ पे, और हम लोग अपने तरफ से कोई भी फिक्स कर अगर कलर लगाते हैं तो फिर वो पैटर्न नहीं रह जाएगा, है ना। पैटर्न में एक रूल को फॉलो करके आगे बढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि जो मन किया वो कर दिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ ब्लू है येल्लो है, फिर ये इसको हम लोग फिर इसको ब्लू कर देते हैं और फिर इसको भी येल्लो कर देते हैं, मतलब हमें यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, तो दो कलर के कार बन रहे हैं बार बार जो आ रहे हैं एक ही ऑर्डर में, ब्लू येल्लो, ब्लू येल्लो, फिर ब्लू येल्लो, यहाँ पे ग्रीन पिंक, फिर ग्रीन पिंक। तो ये इस तरह का एक पैटर्न है, इसको हम लोग सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स भी कह सकते हैं, है ना। और जैसे कि मैंने बताया कि जो पैटर्न्स होते हैं वो नंबर्स के यूज से भी बन जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या करेंगे, कौन सा कलर्स में डालेंगे, एक बार देख लीजिए। इस ब्लू को इसमें कर देंगे और येलो वाला इसमें हो जाएगा। और जैसे अभी मैंने बताया कि पैटर्न्स ऐसा नहीं कि हमेशा डिजाइन का होगा, शेप्स का होगा, लेटर्स का भी हो सकता है, नंबर्स का भी हो सकता है, यहां तक कि लेटर्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन से भी एक पैटर्न बनाया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है एक नंबर का पैटर्न है, ये एक लेटर्स का पैटर्न है, और ये नीचे जो है वो लेटर और नंबर का पैटर्न है, मतलब लेटर भी है और नंबर भी है। तो हम लोग को क्या करना है कि इनको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये थ्री बॉक्सेस जो है वो फिल किए हुए हैं। जैसे आप देखिए सबसे पहला ये जो पैटर्न है हमारा, ये शुरू हो रहा है 5 से, है ना, फिर उसके बाद आ रहा है 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। अगर आप गौर से देखें तो ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली 5 का टेबल्स आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमको इस वाले में 5 का टेबल लिखते जाना है ना। या ये कहिए कि इसमें हम लोग क्या करें, 5 ऐड करते जा रहे हैं, पहले 5 था, फिर 5 ऐड किए 10 हो गया, 10 में 5 ऐड किए 15 हो गया, 15 में 5 ऐड किए 20 हो गया, और 20 में 5 ऐड किए तो 25 हो गया। तो उसी तरह से अब हमने क्या किया, 25 में भी 5 ऐड कर दिए तो 30 हो गया, फिर इसमें 5 ऐड किए 35, फिर इसमें 5 ऐड किए 40, है ना। अब अगर इसके बाद आपसे बोला जाए कि आप इसको फिल करिए तो आप आसानी से फिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। अब वो पैटर्न क्या है, इसमें हर एक नेक्स्ट नंबर में 5 ऐड होता जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसमें अगर फिल करना हो तो क्या फिल करेंगे, 5 ऐड करके जो आएगा उसको फिल कर देंगे, यानी 45। फिर इसमें क्या हो जाएगा, 50, फिर इसमें 55, गॉट इट। तो यही होता है पैटर्न, पैटर्न को रीड करने से हम लोग उसके आगे आने वाले नंबर्स को या लेटर्स को भी बता पाते हैं। अब देखिए ये एक सेकंड पैटर्न है, इसमें क्या यूज हुआ है, इसमें लेटर्स को यूज करके एक पैटर्न बनाया गया है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, जेड पहले आ गया, एक्स उसके बाद, VTR, मतलब ये जो इंग्लिश के ही अल्फाबेट्स हैं जो कि सबसे लास्ट से शुरू हो रहा है ना। इंग्लिश के अल्फाबेट्स कैसे शुरू होते हैं, ए से शुरू होते हैं, लेकिन ये शुरू हो रहा है जेड से, मतलब लास्ट से, और बीच में एक एक गैप है, क्योंकि जेड के पहले वाई आता है, बट वाई तो यहाँ पे है ही नहीं,
वाई के पहले एक्स आता है वो है, एक्स के पहले क्या आता है डब्लू आता है, तो डब्लू नहीं है, उसके पहले वाला है वी, यानी कि बीच में एक एक छोड़ के लिखा जा रहा है। तो वी के पहले क्या आता है यू आता है, तो यू नहीं है टी है, टी के पहले क्या आता है एस आता है, तो एस नहीं है आर है। तो फिर उसी तरह से हम एक एक गैप करके लिखते लिखते जा रहे हैं हम लोग, लेकिन उल्टा पीछे से। अब इसको आपको बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कहीं पे अगर लेटर वाला पैटर्न हो तो आप क्विकली कहीं साइड में लेटर लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। लेटर्स वाला पैटर्न बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे क्विकली कहीं रफ में लिख लेंगे इस तरह से। और अब देखिए, अब आप देखिए लास्ट में जेड है, फिर वाई नहीं है, फिर क्या है एक्स है, है ना। तो एक्स को छोड़ दीजिए, फिर डब्ल्यू नहीं है वी है, फिर यू नहीं है टी है, फिर एस नहीं है आर है, और फिर देखिए क्यू नहीं है पी है, पी के बाद ओ नहीं है एन है, एन के बाद एम नहीं है एल है। अब इसी तरह अगर मैं आपको और यहाँ पे बोलूँ कि इसके बाद का तीन और लेटर्स बताना है तो आप क्या करेंगे, तो एम को एल है ना, एल के बाद के को छोड़ दीजिए जे आएगा, यानी जे लिख दीजिए, फिर जे को तो जे के बाद आई है तो आई को छोड़कर एच लिख दीजिए, फिर एच तो लिख दिया, अब जी को छोड़ के क्या बचा एफ, एफ लिख दीजिए। इसी तरह से हम लोग आगे भी इस पैटर्न को लिख सकते हैं कि उसके आगे का लेटर क्या आएगा। ओके, अब देखिए ये थोड़ा अलग पैटर्न है, इसमें रिपीट हो रहा है सेम लेटर, सी सी एफ एफ आई आई एल एल ओ ओ आर आर यू यू एक्स एक्स, मतलब इसमें एक ही लेटर को दो बार लिखा गया, लेकिन किसको लिखा गया है, तो देखिए दो को इसमें आप ध्यान दीजिएगा, सी कब आता है तो थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है ना। अब सी के बाद जो यहां पे एफ आ रहा है, एफ कितने नंबर पे आता है तो सिक्स नंबर पे आता है, यानी देख रहे हैं बीच में दो दो लेटर्स का गैप है ना। तो अब हमको क्या करना है, फिर एफ के बाद आप देखिए आई कब आ रहा है, तो बीच में दो लेटर्स को छोड़ दो, फिर तो ये तो आपका हो गया, मगर आप ध्यान दीजिए फिर से कहीं लिख लीजिए इसको, इसी को हम फिर से लिखते हैं समझने के लिए। अब देखिए उतना तो जरूरत पड़ेगा नहीं, बट हाँ ध्यान दीजिए, फिर हम क्या करना है, सी सी मतलब शुरू का दो लेटर छोड़कर एक लेटर लिखा गया और उसको दो बार लिखा गया, फिर उसके बाद क्या है एफ है, एफ कहाँ है तो फिर देखिए बीच में यहां पे दो लेटर छोड़ के तब एफ आया है ना, और दो बार आया है। फिर उसके बाद देखिए आई, आई यहां पे है तो फिर यहां भी फिर बीच में दो लेटर मिसिंग है और आई को दो बार रिपीट किया गया, फिर आई के बाद देखिए जे और के मिसिंग है और एल को रिपीट किया गया दो बार, है ना। फिर एल के बाद दो लेटर मिसिंग है, ओ को रिपीट किया गया है, फिर ओ के बाद दो लेटर मिसिंग है, आर को रिपीट किया गया है, फिर आर के बाद एस टी मिसिंग है और यू रिपीट हुआ है, फिर यू वी डब्ल्यू मिसिंग है और एक्स रिपीट किया गया। अब अगर इसके बाद आपको बोला जाए कुछ लिखने के लिए तो आपका तो एक्स वाई जेड लेटर खत्म हो जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो जेड के बाद अगर हम कहें तो क्या आएगा, जेड के बाद तो आपका इंग्लिश अल्फाबेट्स कुछ नहीं आता है, तो अगर पैटर्न हम लोग बनाएंगे तो जेड के बाद अगर कुछ नहीं आ रहा है इट मीन्स फिर से हम लोग शुरू कर देंगे ए से, है ना। यानी यहाँ पे ए दो बार लिख देंगे, फिर बी सी छोड़कर दो बार डी लिख देंगे, फिर ई एफ छोड़कर दो बार जी लिख देंगे। तो इसी तरह से हमारा ये पैटर्न जो है, ये थर्ड पैटर्न इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए ये जो फोर्थ पैटर्न क्या है, फोर्थ पैटर्न में आपका
लेटर भी यूज हुआ है और नंबर भी यूज हुआ है ना। तो लेटर में क्या है, ए, और नंबर में 10 है। फिर लेटर उसके नेक्स्ट वाले पैटर्न में, मतलब नेक्स्ट जो उसका टर्म है, इसको टर्म बोलते हैं पैटर्न का, बी है और 20 है, सी 30। मतलब क्या देख रहे हैं आपकी, लेटर जो एक एक बढ़ रहा है और नंबर 10-10 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एफ जी एच के बाद अगर आपको, ये सबसे सिंपल पैटर्न यही है आपका, ठीक है, सबसे सिंपल पैटर्न। तो हमको क्या करना है, बस ए बी सी डी लिखते जाना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एच के बाद क्या आता है, आई, फिर जे, फिर के, हो गया। लेकिन अभी हम लोग को नंबर भी लिखना है, तो नंबर भी देखिए यहाँ पे 10 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 के बाद तब क्या आएगा, 90, 90 के बाद क्या आएगा, 100, 100 के बाद 110, मतलब 10 प्लस करते जा रहे हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग आगे भी और अगर पैटर्न लिखना हो तो हम लोग आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि पहले वाले जो दिए गए हैं नंबर्स या लेटर्स या जो भी, उसके हिसाब से हमको आगे वाले नंबर्स या लेटर्स या डिजाइंस को बनाना है। तो अब इसके बाद एक नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, हमको बताना है इसका नेक्स्ट पैटर्न, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट इन ईच पैटर्न, हमको ये क्या है, ये शेप्स का पैटर्न है, इसमें शेप्स बने हुए हैं। अब हमको इसका नेक्स्ट में कौन सा शेप आएगा बताना है। तो आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, पहले इसको ऑब्जर्व करिए तभी हम लोग बता पाएंगे। ये एक ओवल शेप में है, आप पढ़े होंगे शेप्स लेसन में जब आपको पढ़ाया गया था, तो इस तरह का शेप ओवल कहलाता है, और ये पिंक कलर का है, तो पिंक ओवल, फिर ग्रीन स्क्वायर, फिर ब्लू सर्कल, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या रिपीट हो गया, पिंक ओवल, मतलब पिंक ओवल जो है, मतलब हर जो शेप है वो तीन, हर तीसरे बार रिपीट हो रहा है, तीसरे बार में। तो अब यहाँ पे पिंक ओवल आ गया, सॉरी पिंक ओवल आ गया, तो पिंक ओवल के बाद क्या है, ग्रीन स्क्वायर है, यानी कि अब पिंक ओवल यहाँ पे आया है, इसके बाद ग्रीन स्क्वायर आना चाहिए, यही हो जाएगा। अब ग्रीन स्क्वायर का ये इस तरह का बनेगा, हाँ देखिए, वेरी गुड, एकदम सेम मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये वाला आएगा शेप। तो हमको एक ही ड्रॉ करना था, तो ये हो गया, ओके। अब इसमें बताइए नेक्स्ट वाला कौन सा शेप बनेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो है कोन का शेप है ना। तो कोन एक बार नीचे की तरफ, इसका जो ये वर्टेक्स एक बार ऊपर है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, तो इस बार भी इसका वर्टेक्स क्या आएगा, ऊपर आएगा। लेकिन साथ ही साथ कलर भी चेंज हो रहा है, ये ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है, ये थोड़ा ग्रीन डार्क है, ये लाइट ग्रीन है, मतलब यहाँ पे, मतलब ये वाला शेप हमको यहाँ बनाना है इसी कलर में और इसी तरह से। तो ये कैसे बनाएंगे हम लोग, इस तरह का शेप नहीं है यहाँ पे, बट चलिए, तो ये इस तरह से बढ़िया नहीं बन पा रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ से ही ऐसे बना लेते हैं, इस तरह से बनाना है, और इसमें कलर कर देना है, ये ग्रीन वाला, ये सेम कलर इसमें कर देना है, देखते हैं अगर हो जाता है तो कलर कर देंगे, यस हो तो जाएगा, ये कलर करके ऐसे कर देना है आपको, ठीक है ना, बस तो आप लोग थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, मैं बस ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि पैटर्न को हमने जब ऑब्जर्व किया तो आप देखिए हर एक, मतलब सेम दो ही तरह का शेप बार बार रिपीट हो रहा है, पहले उसका वर्टेक्स ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी इस बार भी ऊपर आना चाहिए। और कलर देखिए, तो ये डार्क ग्रीन, ये लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, तो यहाँ पे कलर भी डार्क ग्रीन होना चाहिए, ओके। अब ये थर्ड वाला को हम लोग देखते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड में आप देख रहे हैं चेरी यहाँ बना हुआ है। तो पहला स्टेप में दो चेरी है, फिर डबल हो गया, दो का डबल हो गया, फोर टाइम्स हो गया, डबल नहीं हुआ, टू प्लस हुआ है, चलिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिक्स है ना, मतलब क्या हो रहा है, टू चेरीज ऐड होते जा रहे हैं। तो टू में टू ऐड किए, फोर हो गया, फोर में टू ऐड किए, सिक्स हो गया। तो अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, एट चेरीज होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे एट चेरीज बनाने हैं,
कैसे बनेगा एट चेरीज? ब्लैक कलर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ये 8 हो गए इसके। अब हम लोग इसको रेड कलर में कलर कर देंगे। ये किस तरह का चेरी हो गया, फिर ये किस तरह का चेरी, ठीक है। तो इस तरह का चेरी बना लिए, अब इसको कलर कर लीजिएगा आप इसी तरह से। यस, गुड ना। थोड़ा कलर कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ पे 8 चेरीज क्यों बनाए, क्या रीजन है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर एक स्टेप में 2-2 चेरीज क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। इसीलिए हमने पहले 6 चेरीज था तो अब उसको 8 कर दिए, 2 ऐड कर दिए। बस ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारा क्या हो गया, पैटर्न ये कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से आपको आगे भी बनाना है। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारा, कौन सा पैटर्न है। ये देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल पैटर्न ये है, फिल द मिसिंग नंबर्स। जो नंबर्स मिसिंग है उसको फिल करना है। तो देखिए, आप देखेंगे यहाँ 4 है, 4 से प्लस 2 हुआ तो 6 हो गया, यानी कि 6 में और 2 ऐड कर दीजिए, 8 हो जाएगा। फिर 8 में 2 ऐड हुआ, 10, 10 में 2 ऐड किए, 12, 12 में 2 ऐड किए, 14, ये ऑलरेडी है। अब यहाँ पे देखिए 6 है, 18 है, 30 है, बीच में नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे डाउट होगा कि ये कैसे हो गया। तो आप देखिए, ये फर्स्ट है तो 6, 1 6, ये 3 है तो 6, 3 18, ये 5 है तो 6, 5 30, इसका मतलब ये सेकेंड है तो 6, 2 12 होना चाहिए। ये 4 है तो 6, 4 24 होना चाहिए। और ये 6 है तो 6, 6 36, मतलब 6 का टेबल है यहाँ पे, है ना। ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आसानी से सब हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए 1 और ये 5, 7, बीच में नहीं है तो कन्फ्यूजन। लेकिन आप इसको ऑब्जर्व करिए तो 2 प्लस हो गया है। इट मीन्स कि हमारा जो पैटर्न है इसमें 2 प्लस हो रहे हैं, नंबर 2 प्लस हो रहे हैं। तो 1 प्लस 2 3, अब यहाँ 7 प्लस 2 9 हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल है, लेकिन अब ये देखिए, ये लिखा है व्हाट विल कम नेक्स्ट, मतलब राइट 3 मोर। ये एक पैटर्न है, 3 पैटर्न है यहाँ पे, 1, 2, 3। तो हमको ये बताना है कि नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा आएगा। तो आप फिर वही करना, हमको ऑब्जर्व करना है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9। तो अब 9 में भी 2 ऐड करेंगे तो 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15। अब आप इसको देखिए, इस वाले पैटर्न को, तो ये 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 का टेबल लिखा हुआ, यानी 2 का टेबल लिख देना है और 3। इसको आप ध्यान दीजिए तो 3 का टेबल लिख देना है। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग बनाएंगे, ओके। अब ये देखिए, राइट 4 मोर लेटर्स, ये लेटर का पैटर्न है, और लेटर का पैटर्न है तो लेटर ही यूज करेंगे हम लोग। अब फिर देखिए यहाँ पे, इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग लिख सकते हैं ABCD, लेकिन बहुत सिंपल है, आप नहीं भी लिखेंगे तो बन जाएगा। देखिए, ए बी होना चाहिए, CDEFGHIJ, मतलब क्या, बीच बीच में एक लेटर मिसिंग है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, K, फिर L नहीं रहेगा, M, N नहीं रहेगा, O, P नहीं रहेगा, Q। अब आप कहेंगे आप तो लिख रहे हैं सर, तो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ये बीच वाला को नहीं लिखना है, क्या रहेगा, KMOQ, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि बीच का एक लेटर मिसिंग है, बीच का एक लेटर नहीं लिखना है। तो आई के बाद जे है तो जे नहीं लिखे, के लिखेंगे, के के बाद एल होता है तो एल नहीं लिख के एम लिखेंगे, फिर एम के बाद एन होता है, एन के बाद ओ होता है तो एन नहीं लिखेंगे, ओ लिखेंगे, फिर क्यू हो गया। और ये जो है, ये सिर्फ समझने के लिए था, इसको आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बी 2 टाइम्स, फिर सी छोड़कर डी 2 टाइम्स, तो ये आप बनाएंगे। और ये जो है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे बस एक ही लेटर है ई, ये ई समझ लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो
लुढ़क रहा है, रोल कर रहा है। तो ये अभी ऐसे था, लुढ़क के ऐसे हो गया, फिर घूम के ऐसे हो गया, फिर घूम के ऐसे हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में घूम के फिर खड़ा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसे गिर जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर की तरफ हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर की तरफ हो जाएगा। मतलब यही सेम चीज रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो मैंने नहीं बनाया है उसको आप लोग बना लेंगे अपने कॉपी में, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं इसके आगे का क्या है। राइट द मिसिंग नंबर्स, तो ये भी देखिए एकदम एग्जैक्टली वैसा ही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब 2 का टेबल था। ये देखिए 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। और ये देखिए 3 का टेबल है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 10, 20, 30, 40, 50, 60। मतलब पैटर्न जो है वो बेसिकली आप देख रहे हैं, अगर आप टेबल लिखते हैं 2 का, 3 का, 4 का, तो ये भी एक पैटर्न ही है, समझ गया ना। क्योंकि आपको पता है कि आने वाला जो नंबर है, आगे वाला जो नंबर है वो क्या आएगा, आप जान जाते हैं, इसीलिए हम लोग टेबल्स को भी एक पैटर्न ही कह सकते हैं। तो आई होप इतना एग्जाम्पल मैंने दिया तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि पैटर्न क्या होता है ना। पैटर्न क्या है एक बार फिर से समझिए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, पहले उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे पैटर्न को। तो ये फिर ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट, राइट टू मोर, नेक्स्ट में क्या आएगा। तो ये देखिए आपका है A1, दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज C, नो सॉरी A1, B3, थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, दिस इज A1, B3, C5 एंड D7। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब इसके बाद क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं ना, इसमें लेटर और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो लेटर जो है वो वन, मतलब एक एक करके आ रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद क्या आना चाहिए, ई, और ई के बाद एफ। तो हमने पहले लेटर्स को लिख लिया, अब आप नंबर्स पे ध्यान दीजिए। तो नंबर्स क्या है, 1, 1 के बाद 2 छोड़कर 3, 3 के बाद 4 छोड़कर, मतलब 2, स्किप काउंटिंग ऑफ 2 हो रहा है। आप पढ़े हैं स्किप काउंटिंग ऑफ 2, मतलब 2-2 छोड़कर लिखा जा रहा है। तो 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, तो 7, 2, 9 एंड 9, 2, 11। ये हो गया आपका पहला पैटर्न कंप्लीट। अब ये देखिए, ये वाला भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। और ये क्या है, ठीक है। तो ये समझिए पहले, एजी एक और बना ही लेते हैं, एजी BY। ओके, तो ये रहा हमारा पैटर्न, हमें अब इसके आगे वाला बताना है।
ठीक है। तो देखिए ये तो मैंने आप लोग को बता दिया, इसमें नंबर्स और लेटर्स दोनों यूज हुए हैं और उसी को यूज करके हमने इस पैटर्न को कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए लेटर्स ही यूज हुए हैं और दोनों लेटर्स क्या हैं, इंग्लिश अल्फाबेट है, कैपिटल लेटर्स हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी और उतना भी नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान दें तो इसका पहला जो लेटर है ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, मतलब ए बी सी डी लाइन से एकदम लिखा जा रहा है। तो ए बी सी डी के बाद क्या आएगा, ई, और ई के बाद क्या आएगा, एफ, हो गया। अब दूसरा लेटर पर ध्यान दीजिए, तो दूसरा लेटर क्या हो रहा है, उल्टा लिखा जा रहा है, मतलब जेड से शुरू हो रहा है। तो जेड हो गया, जेड से पहले वाई, वाई से पहले आता है एक्स, एक्स से पहले आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या आता है वी, तो वी लिख दीजिए, वी से पहले क्या आता है यू, तो यू लिख दीजिए, हो गया। और अगर कोई डाउट है तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आप ए बी सी डी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए जेड के पहले वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वी, वी से पहले यू, ये चीज लिख दिया गया यहाँ पे। अब ये जो लास्ट नंबर है इसमें कोई शेप नहीं है एक्चुअली में, है ना, ये बस क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, चलिए। तो ये आपको M जैसा लग रहा है लेकिन ये M ही है जो घूमता जा रहा है, जैसे एक इसके पहले भी मैंने बताया था, तो ये M जो है वो घूम रहा है। M अभी ऐसे था नीचे की तरफ, अब ऐसे घूम गया, इस तरफ हो गया, ठीक है ना, ये जो दोनों इसका लाइन है वो अभी इस तरफ हो गया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर लेफ्ट में चला गया, है ना। मतलब अगर आप इस पर ध्यान दें, ये ओपन वाला जो हिस्सा है ये एक बार ऊपर है तो एक बार लेफ्ट में है, तो एक बार डाउनवर्ड्स है तो फिर राइट है, तो राइट के बाद क्या आएगा, फिर वापस से ऊपर चला जाएगा उसी पोजीशन में, फिर इसके बाद इस तरह से हो जाएगा, है ना। मतलब ये एम ही है जो घूमता जा रहा है, हमको ये बताना है कि घूम घूम के वो हर बार कैसा कैसा स्टेप में आएगा, एक बार इधर हो गया, एक बार W जैसा हो गया, फिर एक बार इस तरफ उसका मुंह हो गया, फिर एक बार M बन गया, फिर एक बार इधर की तरफ हो गया। मतलब ये वन स्टेप है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, और फोर के बाद फिर वन आ जाएगा, वन के बाद टू, टू का मतलब ये सेकंड वाला, टू मतलब टू नहीं, टू मतलब सेकंड वाला जो ये शेप है। फिर इसके बाद अगर आपको बोला जाए तो क्या आएगा, तो ये थर्ड वाला शेप, थर्ड शेप ऐसा है तो ऐसे आ जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर करके पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न हम लोग कैसे बनाएंगे, और आप ये भी समझ गए कि पैटर्न क्या है। एक बार फिर से मैं आप लोग को रिकॉल कर दे रहा हूँ पैटर्न क्या है, ध्यान रखिएगा। तो पैटर्न क्या होता है, तो इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर। पैटर्न व्हाट इज पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स लेटर शेप्स डिजाइन एटसेट्रा, या टू फॉर्म ए पर्टिकुलर डिजाइन, ये भी लिख लीजिए, टू फॉर्म ए डिजाइन, ठीक है ना। एक डिजाइन में जैसे आपने देखा होगा कि जो टाइल्स बिछे रहते हैं, तो टाइल्स क्या होता है, टाइल्स किस तरह से बिछाया जाता है, जैसे कि एक डिजाइन बन जाए, है ना। जो टाइल्स जो भी लगाते हैं वो जैसे मर्जी नहीं लगाते हैं, वो इस हिसाब से लगाते हैं कि एक डिजाइन बन जाए, है ना, यानी एक पैटर्न में उसको लगाया जाता है। उसी तरह से दीवालों पर भी पैटर्न बनाया जाता है ताकि वो चीज अच्छा लगे। बिल्डिंग्स बनते हैं तो बिल्डिंग भी एक पैटर्न में ही बनता है, जैसे अगर फर्स्ट फ्लोर जैसा होगा वैसा ही सेकंड फ्लोर बनाया जाए एकदम उसी की तरह, है ना, ताकि वो अच्छा लगे देखने में भी और उसे वो मजबूत भी बनता है। तो बेसिकली यही पैटर्न है जो अभी आपने सीखा, ओके। तो इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है पैटर्न, ये कंप्लीट होता है, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।